आज समाजवादी पार्टी में महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी छोड़ने पर युवजन सभा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विपिन श्रीवास्तव ने कहा कि समाजवादी पार्टी बूथ स्तर पर काम कर रही है और हम लोग आने वाले लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। समाजवादी पार्टी जिस तरह से काम कर रही है उसमें जनता का अधिक सहयोग मिलेगा। आने वाले समय में हमारी पार्टी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगी। लखनऊ से संवाददाता राशिद अलवी की रिपोर्ट। युवजन सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विपिन श्रीवास्तव जी हैं। विपिन श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं युवजन सभा के, और इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में थे, महासचिव भी थे, आज पार्टी छोड़कर अपने पार्टी बनाने का एक ऐलान कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप युवा भी हैं, उपाध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये लोग कुछ नेता ऐसे थे जो स्वार्थ से आते हैं, और उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं रही कि उनको राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया। तो ऐसे नेताओं को हमको नहीं लगता कि रहना भी जरूरी है। उनको हमारी पार्टी ने सम्मान दिया, जब भाजपा से निकाले गए तो हमारे अखिलेश भैया ने उनको बुला के राष्ट्रीय महासचिव बनाया और MLC का पद भी दिया। उनको उनसे संतुष्टि नहीं मिली, अब उनको लगता है कि मैं राज्यसभा से, तो राज्यसभा के लिए भी हमारे पार्टी के सीनियर मेंबर हैं, इसलिए वो पार्टी बनाए चाहे जाए उससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और हम लोग मजबूत से ही लोकसभा चुनाव जीतेंगे। उनके डरने और डरने का हम लोग को कोई असर नहीं होगा। कांग्रेस की जैसे राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी से जहां तक उम्मीद है कि गठबंधन भी है, तो इससे कितना प्रभाव पड़ेगा लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को? देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और हम लोग PDA गठबंधन ला के हम लोग लगभग 80 सीट जीत रहे हैं, और कांग्रेस के प्रभाव लगभग 50% जो मान लीजिए हमारी पार्टी का सबसे अधिक महत्व रहेगा। समाजवादी पार्टी पूर्व बहुमत से, मतलब आपका ये बता दो, पूर्व बहुमत से सरकार बना रही है। हमारे प्रधानमंत्री के दावेदार अखिलेश यादव रहेंगे PDA में, वो बाद में निर्णय उसका हो जाएगा चुनाव जीतने में, और हम 80 पे 80 में जीत रहे हैं। जिस तरह से आप युवा नेता हैं, लगातार आप निचले स्तर से काम भी करते आ रहे हैं और ग्रामीण इलाकों में काम कर रहे हैं, लगातार युवाओं से जुड़ रहे हैं, युवाओं की मानसिकता समाजवादी पार्टी को लेकर क्या है? युवाओं की मानसिकता है कि हम लोग जिस समाजवादी पार्टी युवाओं की पार्टी है, और वो चाहते हैं कि इस उत्तर प्रदेश में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करके श्री अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया जाए, ये हर युवाओं की सोच है। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए विपिन श्रीवास्तव जी। विपिन श्रीवास्तव जी का कहना है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी लगातार निचले स्तर पर, बूथ स्तर पर काम कर रही है, वो लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा कामयाब होगी, और जो कांग्रेस है उससे भी गठबंधन करके हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। कैमरामैन नफीस के साथ मैं राशिद अलवी, लखनऊ।